अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अरसलान सिद्दीकी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑर्डिनरी एन्यूटी कंडीशंस को। हमने एन्यूटी का कॉन्सेप्ट देखा था। एन्यूटी कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से तुम लोगों को रिवाइज करा देता हूँ कि एन्यूटी एप्लीकेशन होती है सर, पहली कंडीशन के फिक्स पेमेंट और इनकम होगी थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टर्म। और सर, सेकेंड कंडीशन क्या थी कि फिक्स टाइम इंटरवल होगा हर पेमेंट के बीच में। अच्छा सर, फिर हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी एन्यूटी की कुछ कंडीशन। सर, ऑर्डिनरी एन्यूटी में दोबारा से रिवाइज भी करा देता हूँ कि ऑर्डिनरी एन्यूटी की पहली कंडीशन क्या थी कि फिक्स मल्टीपल पेमेंट्स या इनकम होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि फिक्स टाइम इंटरवल होगा। ऐसा नहीं है कि पहली पेमेंट में 5 महीने बात कर रहा हूँ तो दूसरी पेमेंट में 6 महीने बात कर रहा हूँ। जितना टाइम पीरियड में पहली पेमेंट में लूंगा, दैट से 1 साल, तो सेकेंड पेमेंट भी मैं 1 साल के बाद ही करूंगा। सर फिर क्या थर्ड कंडीशन जो मैंने बताया था कि इसको जो इसको डिफ्रेंशिएट करेगी एन्यूटी ड्यू से, सर वो कंडीशन क्या थी कि पेमेंट और इनकम मेड और रिसीव एट द एंड। सर ये एंड, एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल के आखिर में। सर हर इंटरवल के आखिर में। सर आइए हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट को ऑर्डिनरी एन्यूटी से, सर आइए कनेक्ट करके देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ऑर्डिनरी एन्यूटी से। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल कोड करता हूं। एक्स इज इक्वल टू 200 जी सर, और इंटरेस्ट की परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। सर टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। सर क्या होता है कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, सर हर साल के आखिर में मैं जाता हूं बैंक और ₹200 डिपॉजिट कराता हूं हर साल के आखिर में। सर एयर जीरो पे क्यों नहीं आया ये अमाउंट? सर एयर जीरो साल का पहला दिन है। साल का आखिरी दिन कौन सा है? एयर वन। तो सर साल का दूसरा आखिरी दिन कौन सा? एयर टू। सर चारों सालों के एंड पे मैंने ₹200 जाके डिपॉजिट करा दिए। अब सर मुझे बताओ कि एयर फोर के एंड पे कितना अमाउंट मुझे बैंक से मिलेगा? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कंप्यूटेशन की बात करूं तो ₹200 को मैं कितने साल आगे लेके जाऊंगा? 1, 2 और 3 साल। तो 1+10% की पावर 3, सर ये 3 साल आगे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर। प्लस सर ये वाला 200 कितने साल आगे जाएगा? 1 और 2 सर। तो इस वाले 200 को मैं 2 साल आगे लेके चला जाता हूं। प्लस सर जो ये वाला 200 है ये सर कितने साल इसकी कंपाउंडिंग होगी? सर इसकी 1 साल कंपाउंडिंग होगी। सर तो इस वाले 200 को मैं 1 साल आगे लेके चला जाता हूं। एंड देन सर ये जो ईयर 4 में मैंने अमाउंट डिपॉजिट कराया था, क्या ये अगले साल जाएगा या इसी साल रहेगा? सर ये इसी साल रहेगा, क्योंकि मुझे अमाउंट कब का रिक्वायर्ड है? ईयर 4 के एंड का रिक्वायर्ड है। तो सर इसकी तो कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी, इसको मैं डायरेक्ट ₹200 लिख देता हूं। अगर सर मैं इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं तो मेरे पास सर आंसर आता है 928.2 का। सर ये अमाउंट कब का है? सर ये अमाउंट है एयर फोर के एंड का अमाउंट है, एयर फोर के एंड का अमाउंट है। तो सर आपको नहीं लगता कि आपने चार चौरंगियां घूमी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? सर चार चौरंगियां घूमी है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये कंडीशंस ऑर्डिनरी एन्यूटी में फुलफिल होती है तो सर ऑर्डिनरी एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। तो सर ऑर्डिनरी एन्यूटी की पहली कंडीशन क्या थी? दोबारा रिवाइज करते हैं कि फिक्स मल्टीपल पेमेंट्स होंगी। सर फिक्स मल्टीपल पेमेंट्स है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई सर। सर सेकंड कंडीशन क्या? कि फिक्स टाइम इंटरवल है, बिल्कुल सर हर साल के आखिर में हो रही थी, हर साल के आखिर में हो रही थी। और सर क्या? एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। तो थर्ड कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो रही है। तो सर मैं इसको ऑर्डिनरी एन्यूटी के फॉर्मूला लगा के सर इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो ऑर्डिनरी एन्यूटी का फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था S इज इक्वल टू R 1+ सर ये R की वैल्यू क्या है? सर S की तो हमें पता है, S जो है हमारी फ्यूचर वैल्यू है। I डिनोट करता है इंटरेस्ट को, N डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को या नंबर ऑफ पेमेंट्स को। सर R किसको डिनोट करता है? सर R डिनोट करता है रीपेमेंट्स को। सर R डिनोट करता है रीपेमेंट्स को। आर डिनोट करता है रीपेमेंट्स को। रीपेमेंट्स का मतलब वो अमाउंट जो बार बार पे कर रहे हो, बार बार पे कर रहे हो, मतलब दैट इज ₹200।
तो सर आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, s इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस सर इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या थी, सर इंटरेस्ट की परसेंटेज थी 10% की पावर 4। सर 4 क्यों, कितनी पेमेंट्स हो रही है, 1 2 3 4 सर 4 पेमेंट्स हो रही है 4 सालों तक, डिवाइड बाय 10%। सर जब मैं इसको भी सॉल्व करता हूं तो सर मेरी जो वैल्यू आती है यहां से वो सर सेम वैल्यू आती है, दैट इज 928.2। सर तो मैंने जो फॉर्मूला लगाया सर वो ऑर्डिनरी एन्यूटी का कैसे लगाया, क्योंकि सर सवाल की जो कंडीशंस थी वो ऑर्डिनरी एन्यूटी की कंडीशंस से फुलफिल हो रही थी, तो बजाय इसके कि मैं 4 दफा फॉर्मूला लगाऊं और लंबा चौड़ा काम करूं, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।